Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke aitihasik Victoria Park mein aaj din bhar deshbhakti ka mahol raha. Azadi ke Amrit Mahotsav aur Chaura Chauri Shatabdi samaroh ke avsar par aaj din bhar देशभक्ति के गीतों के बीच रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्रांति भूमि मेरठ में आजादी के दौरान अग्रणी रहे ऐतिहासिक स्थलों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मीडिया से यह वार्ता की। देखिए, आजादी के 75 साल बाद एक कार्यक्रम जो आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, उसके माध्यम से हम अपने उनको याद कर रहे हैं जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। बहुत सुंदर संग्रहालय, इनके जितने भी बनाने वाले रहे, प्रशासन के लोग और सब बनाने वाले लोगों, उनका बहुत साधुवाद। मैंने इतना शानदार संग्रहालय देखा। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या थी, जो कहीं ना कहीं किताबों में खोगी। बहुत जगह की भूमिका आती है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गाँव से जुड़े लोगों की भूमिका थी, वो पहली बार मुझे लगा कि क्रांति में एक गाँव का एक बिल्कुल आम इंसान उस 1857 की क्रांति में शामिल था। तो ये वाकई मुझे लगता है मेरी पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो स्वर्णिम इतिहास रहा है वो कम से कम इस संग्रहालय से दर्शाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के उस व्यवहार पर कुछ कहेंगे? अब उनमें तो वही बताएंगे, मैं क्या बताऊं दोस्त। 2022 को लेकर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का बनेगी, कई शक की गुंजाइश मुझे तो कहीं है नहीं। कम से कम नहीं, उन्होंने तो मना कर दिया ना कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा और वो भी नहीं करूंगा। जब वो मना कर चुके तो उस बात। वहीं जिलाधिकारी के बालाजी ने यह जानकारी दी। आज मुख्य रूप से दो परियोजनाओं पर हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान साहब द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। एक है जो यहाँ का म्यूजियम है, इसमें नया गैलरीज बनाए हैं जिसमें मेरठ का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का और पूरे प्रदेश का जो 1857 में जो भी भूमिकाएं रही है उसमें जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है उस सबको हमें यहाँ दर्शाए हैं। वो यहाँ के लोगों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए मेरठ का और यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इतना गौरवशाली इतिहास रहा है उसको उनको जानकारी करने के लिए और याद करने के लिए बहुत पूर्ण मतलब मौका मिलेगा उन लोगों को यदि यहाँ आएंगे तो। दूसरा है, यहाँ क्रांति पथ बना रहे हैं जो 4.5 किलोमीटर का होगा, उसका हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें जो 1857 में जब मेरठ छावनी में जो भी जिन किस किन किस पॉइंट में जो घटना हुई थी और हर उसका पूरा कवर करते हुए क्रांति पथ बनाए हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ एक हम लोग एक व्यवस्था ऐसा बनाएंगे ताकि उस पथ से हम जाएंगे तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की जा सके। एक महत्वपूर्ण टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस यहाँ के लोगों के लिए भी अपने जो इतिहास है, अपने जो हमारे पहले जो लोग रहे हैं उन लोगों ने जो भी काम किए हैं, कार्रवाई किए हैं, उसके बारे में जानकारी करने के लिए भी मददगार होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।